खरगोन शहर से लगी ग्राम पंचायत सोनीपुरा में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात मध्य रात्रि के करीब मैजिक वाहन में आग लगने से वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। वाहन मालिक का आरोप है कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा ये हरकत की गई है। बुधवार की बीती रात खरगोन जिला मुख्यालय के नज़दीक ग्राम सोनीपुरा में घर के सामने खड़ी मैजिक वाहन नगर सेवा वाहन आग लगने के कारण पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। वाहन मालिक राजेश सागोरे ने बताया कि कोरोना काल में पहले ही धंधा ठप होने से कुछ महीनों से गाड़ी खड़ी थी। मालिक का कहना है कि बैटरी डिस्चार्ज होने से शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं भी नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी ने जानबूझकर आधी रात के वक्त मैजिक वाहन में आग लगाई है। रात में सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पहुंच गई थी। गुरुवार सुबह वाहन मालिक ने स्थानीय जनता चौकी में शिकायत दर्ज की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये क्या घटना हो गई थी, गाड़ी वाड़ी जली हुई है? ये रात को 11-12 बजे समथिंग मुझे गांव के व्यक्ति ने सोच के लिए गया था। उन्होंने मुझे जगाया कि भैया आपकी गाड़ी में आग लग गई है। तो आग लगने के लेकिन मैं जैसे दौड़ते और देखा तो घबराहट में हम लोग जिसने बोला और हम दोनों ने मिलकर इस पर बाल्टियों से पानी डाला और आग पर आग बुझाई। ये किसी ने जानबूझकर इस पर आग लगाई है। किसी पर शक है आपको? शक क्या है कि आप वो तो मैं राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पर रहा हूँ, जिले के पद पर रहा हूँ, सरपंच जनपद सदस्य रहा हूँ। तो हो सकता है कोई हो, लेकिन मेरा नाम मुझे मेरी जानकारी में भी है ही नहीं कोई राजनीतिक दिवस की भावना से या कुछ भावना से। किस टाइम की घटना है ये? रात को 11 से 12 बजे के बीच की घटना है, 11:30-12 बजे के बीच की घटना है ये। एक्चुअली टाइम तो मुझे मालूम नहीं है। पुलिस वगैरह FIR? पुलिस को रात को मैंने 100 नंबर डायल किया था। 100 नंबर की पुलिस आई थी और स्थानीय पुलिस मेनगांव थाने से भी आई थी, जिन्होंने अपनी औपचारिकता पूर्ण की और आज FIR कार्रवाई भी मैं कर रहा हूँ। क्या नाम लिखता हूँ? मैं राजेश सागर लिखता हूँ, पूर्व जनपद सदस्य हूँ जनपद पंचायत खरगोन से। और मेरा व्यवसाय गाड़ी कर रहा है कि क्योंकि मेरी दाल रोटी और रोजी रोटी यही थी मेरी, जिससे मेरा परिवार का पालन पोषण मैं करता था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।